हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। अभी फेस्टिव सीज़न ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए अपने होम टाउन ज़रूर जाते हैं। लेकिन अभी की करंट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो बहुत सारे लोग घर पे ही रहना पसंद करते हैं, और ये सब सही भी है। आने वाले महीनों में दिवाली है और नवरात्रि है, तो हम इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे होम टाउन ज़रूर जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने ट्रैवल बैग को किस तरह से पैक किया है, आप किस तरह से ट्रैवल बैग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं अराउंड 10 दिन के लिए मेरे मम्मी के घर पे जाने वाली हूँ, तो इसी हिसाब से मेरे और मेरा 4 साल का बेटा है, हम दोनों के कपड़े और कुछ ज़रूरत का सामान मैंने किस तरह से पैक किया है, ये सब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने और मेरे बेटे के जो रेगुलर वेयर, फेस्टिव वेयर और नाइट वेयर कपड़े हैं, उनको अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है, और हमारा जो ज़रूरत का सामान है उसे भी हमने अलग अलग पाउचेस में ऑर्गेनाइज करके एक ही जगह पे इकट्ठा रख लिया है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को अपने बैग में पैक करना है। तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। अब हम सारी चीज़ों को कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज करने के लिए शुरुआत करते हैं। ये है मेरे पास सारी केस, उसमें मैंने मेरा जो हेवी सलवार सूट है उसमें ही उसका दुपट्टा और पैन को रखा है अंदर की तरफ, तो पूरा सूट एक ही साथ में रहेगा। और ये एक साड़ी मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ, उसमें ही उसका सेम पेटीकोट और ब्लाउज को रखा है। सारी चीज़ें एक ही जगह पर रखने से आपको जब चाहिए वो आसानी से मिल जाती है। तो मैंने नीचे की तरफ साड़ी को रखा, और उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर को रखा है, फिर सलवार सूट को रखा है। ऐसे रखने से वो दोनों अच्छे से पैक होके जाते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। फिर ये मेरे पास छोटा सा पाउच है, इसमें मैंने मेरे बेटे के जो बेसिक मेडिसिन है, थर्मामीटर, विक्स, इनको रखा है। ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें हमारे जो अडल्ट के बेसिक मेडिसिन होते हैं उनको रखा है। और ये जो पाउच है इसमें मैंने जो मेरे लॉन्जरी आइटम्स है उनको फोल्ड करके रखा है। ऐसे रखने से ये एक ही जगह पर रहेंगे और बैग में उलझेंगे नहीं, जब हमें ज़रूरत है तो आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो पाउच है इसमें मेरे जो बेसिक स्किन केयर है और बेसिक मेकअप आइटम्स है उनको रखा है। सारी चीज़ों को पाउचेस में रखने का एक ही आइडिया है कि सारी जगह एक ही जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। अगर आप ऐसे ही बैग में रख देंगे तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको ढूंढना पड़ेगा पाउचेस में रखने के लिए, वो बैग में जगह भी कम घेरता है और आपका बैग अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है। और ये जो छोटा सा पाउच है उसमें मैंने नेल पेंट्स को रखा है। मुझे नेल पेंट्स लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने साथ नेल पेंट को लेके जा रही हूँ। छोटी छोटी पाउचेस का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है, ऐसा करने से अब मेरा बैग है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है। अब हम एक्चुअल ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ऊपर का जो पोर्शन होता है सूटकेस का, उसमें ऐसे आइटम्स को रखा है जो मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगी। ये जो जिप लॉक पाउच है उसमें मेरे बेटे के सॉक्स और हैंकी को रखा है। मैं फेस्टिवल में पहनने वाले कपड़े हैं उनको रखा है। एक दो बार आपको चीज़ों को और कपड़ों को अरेंज करके देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। मैंने ऊपर की तरफ उन्हीं चीज़ों को रखा है जो मैं बहुत कम यूज़ करूँगी, ताकि मुझे पोर्शन
बार बार खोलना ना पड़े। तो मैंने देखा, पहले पैक कर लिया था, फिर से थोड़ा सा अरेंज करके देख रही हूँ। तो आपको ही ऐसा करना होगा ताकि आपका सूटकेस अच्छे से फाइनली में पैक हो जाता है। तो ऊपर का पोर्शन हो गया। अब मैं नीचे की तरफ, मेरे पास दो सलवार सूट है वो मैं लेके जाने वाली हूँ, उनको रखा है। फिर मेरा लॉन्जरी का पाउच, आगे की तरफ आप देखेंगे कि मेडिसिन का पाउच रखा है और मेकअप का पाउच रखा है। एक दो बार आपको निकाल के फिर से रखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने पड़ेगी कि आपको किस तरह से कपड़ों को और चीज़ों को रखना है अपने बैग में। और ये जो रेगुलर वेयर की कुर्तीज़ है वो अच्छे से रोल करके, फोल्ड करके मैंने रखा है ताकि वो बैग में जगह भी बहुत ही कम घेरती है। और मेरे बेटे के कपड़े भी, टी शर्ट में ही मैंने पैंट को रखा है तो वो भी कम जगह लेगी ऐसा फोल्ड करके रखेंगे तो। वैसे तो छोटे बच्चे के कपड़े हैं उनको रखना बहुत ही आसान होता है, जगह भी बहुत कम लगती है। मैं बहुत कम कपड़े लेके जाने वाली हूँ, वैसे तो मैं मम्मी के घर पे जाने वाली हूँ तो इसे मैं धो के यूज़ कर सकती हूँ। तो फाइनली आई एम डन, तो मेरा सूटकेस पैक हो गया। देखेंगे कि इतना सारा सामान मैंने छोटी सी सूटकेस में अच्छे से पैक कर लिया है। ब्लैक कलर की हैंडबैग है तो मैं इसको भी कैसे ऑर्गेनाइज करके लेके जाने वाली हूँ ये आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारे सामान को निकाल के रखा है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को हैंडबैग में रखना है ताकि मुझे आसानी हो ट्रैवलिंग में। तो सबसे ऊपर वाले जो चेन वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैंने मास्क को रखा, हैंड सैनिटाइज़र को रखा है और टिश्यू पेपर को रखा है, जो पॉकेट टिश्यू पेपर आते हैं उनको रखा है। इसके पीछे वाले सेक्शन में मैंने, ये है मोबाइल चार्जर, पावर बैंक और ये है हेडफोन, इनको रखा है। ये बड़े वाले सेक्शन में मैंने मेरा जो वॉलेट है इसको रखा है। वॉलेट में हमेशा कैश और कार्ड दोनों होने चाहिए। यहाँ पे कैश है और अंदर देखेंगी जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एटीएम कार्ड, इनको रखा है। और ये जो पाउच है अभी मैं हैंडबैग में रख दूंगी। और ये छोटा सा पाउच है जहाँ पे मैंने सारे कॉइन्स को रखा है। इसके पीछे वाले सेक्शन में ये है हैंड ग्लोव्स, इसको रखा है और एक स्टिकी नोट और पेन भी मैं अपने साथ ज़रूर रखती हूँ अगर मुझे कुछ आइडिया आ जाए तो इसको लिखने के लिए। और लास्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मैंने हेयर बैंड और हेयर क्लिप को रखा है जो ट्रैवलिंग में मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने बालों को टाई करने के लिए। देन फाइनली आई एम डन विथ हैंडबैग ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके पास कुछ टिप्स हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। टिल देन बाय।